तो फ्रेंड्स ये देखिए बन के रेडी हो गया, ये देखिए कितना टेस्टी बना है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम रेसिपी ये बनाने वाले हैं, पालक और बेसन, प्याज, टमाटर और मिर्ची, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ हम ले लिए हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से पालक का कोफ्ता, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। ये देखिए उसके लिए मैंने पालक लिए हैं और बेसन लिए हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम प्याज को कट कर रहे हैं, ये देखिए। तो इसको हम बड़े बड़े कट करेंगे क्योंकि हम इसको है ना मिक्सर में ग्राइंड करने वाले हैं, तो इसको बड़े बड़े ही कट कर रहे हैं। तो ये देखिए टमाटर भी मैंने बीच में कट कर लिए हैं और इसको मतलब है ना मिक्सर जार में मैं डाल दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और इसको हम अच्छा सा बेटर तैयार करेंगे। ये देखिए मिर्ची वगैरह भी ले लिए हैं, सारी चीज़ मैंने ले लिए हैं। अब इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी करेंगे। तो देख लीजिए ये बहुत ही अच्छा सा पेस्ट रेडी हो गया, ये देखिए। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। और ये जो एक प्याज है ना, तो इसको मैं पतले पतले कट करूँगी, इसको मतलब छोंकने के लिए, स्टार्टिंग में छोंकने के लिए इसको पतले पतले कट करेंगे, ये देखिए। तो आप लोग इसको और भी छोटे छोटे कट कर सकते हो, तो आप लोग अपना मर्ज़ी से आप जैसे भी कट कर सकते हो, वो अच्छा ही लगता है। तो ये देखिए मैं कट कर रही हूँ छोटे छोटे। और हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही झटपट बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग अपने घर में ऐसे बनाते हो कि नहीं। अगर नहीं बनाते हो तो मेरा रेसिपी देख करके आप लोग बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है और आपके घर में सभी लोग पसंद करेंगे और सब लोग आपका तारीफ करेंगे। तो आप लोग बना करके देखो, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए पालक को मैंने पहले ही धो के रखा है और साफ भी कर लिए। ये देखिए मैंने इतने थोड़े से मैं पालक ली हूँ, अभी मैं इसको अच्छे से कट करूँगी। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं इसको मुट्ठी भर में पकड़ रही हूँ, पकड़ने के बाद मैं इसको अच्छे से कट करूँगी, मतलब छोटे छोटे कट करूँगी, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये देखिए मैं कट कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। आप लोगों को तो पता ही है कि साग वगैरह कितना ज़्यादा हेल्दी होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है। और ये देखिए मतलब सारी चीज़ कट हो गई, ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गए हैं कट करके, ये देखिए देख सकते हो आप लोग। तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है मेरा कट करके, ये देखिए। अब इसको एक बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी, ये देखिए, बाउल नहीं है सॉरी, एक प्लेट है, मैं उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए मैं इसमें रख दे रही हूँ। और इसको रखने के बाद वो जो बेसन है ना, मैं इसमें डाल दूंगी, ये देखिए। तो उसमें थोड़े थोड़े करके मिलाएंगे, जितना लगे उतना मिलाएंगे, ये देखिए मिला दे रही हूँ मैं। तो आप अपने हिसाब से ये करोगे। अब मैं नमक लगा दे रही हूँ, ये देखिए। और आपके साग अगर ज़्यादा है तो बेसन भी आप ज़्यादा मिलाओगे, तो अपने हिसाब से। तो मैं थोड़े से ही साग ली थी तो थोड़े से ही बेसन मैं ली हूँ। तो ये देखिए मैं कल ही मार्केट से ये लेकर के आई हूँ, ये कितना क्यूट है। तो इसी से मैं पानी दे रही हूँ इसमें, इसमें थोड़े से पानी होते हैं, बहुत ही मिनी है, बहुत ही छोटा है, बस ये सो के लिए। तो उसमें मैं पानी रखी थी तो उसी को मैं डाल दे रही हूँ, ये थोड़े से, तो और थोड़े से पानी दे रही हूँ। बहुत ही क्यूट लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को ये अच्छा लगा कि नहीं। हमारे यहाँ मार्केट लगे थे तो मैं वहाँ से ली हूँ। तो ये देखिए मैं रेडी कर ली हूँ बेटर, ये देखिए कितना अच्छा बना है। और ये हो गया, तो मैं कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ, आप लोग देख सकते हो कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। तो अभी मैं है ना तेल को डाल दे रही हूँ, ये लो, ये देख सकते हो आप लोग। तो ये देखिए मैं तेल को डाल रही हूँ। तो तेल डालने के बाद तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, क्योंकि हमें इसको है ना मतलब बहुत क्रंची पकोड़े मतलब बनाना है। तो ये देखिए तेल भी मेरा गर्म हो चुका है। तो अभी जो मैं रेडी की थी ना पालक और बेसन का पकौड़ा बनाने के लिए, मैं इसमें डाल दे रही हूँ, ये देखिए।
ये देखिए सारे को मैं डाल दूंगी एक साथ। ये देखिए एक ही में हो जाएगा क्योंकि मैं थोड़े ही बना रही हूँ पालक का कोफ्ता, ज़्यादा नहीं बना रही, तो एक ही बार में हो जाएंगे सारे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, या फिर आप अपने घर में अगर बनाए होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब कैसे लगता है। ओके फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो, मुझे लाइक नहीं मिलते हैं, तो अगर आप लोग लाइक करोगे ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए एक साइड मतलब गोल्डन ब्राउन हो गया है और एक साइड नहीं हुआ है, तो थोड़े सा वेट करते हैं और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देते हैं इसको। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए इसको मैं पलटा लेती हूँ अच्छी तरह से, एक साइड हो गया है तो इसको मैं पलटा देती हूँ, वो साइड से भी मैं इसको मतलब पलटा के अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा बना है, ये देखिए उलट भी नहीं रहा अच्छे से। तो आप लोग इसको है ना चम्मच से भी उल्टा सकते हो, चम्मच से भी उलट जाता है, लेकिन मैं इसी से छोलनी से ही मैं उल्टा रही हूँ। ये देखिए ये देखिए सारे को उल्टा के उल्टा के पलटा के मैंने अच्छे से इसको रोस्ट करके मतलब क्या बोलते हैं उसको, पकोड़े जैसे अच्छे से मैंने क्रंची कर लिया है, अच्छे से बना लिए हैं मैंने। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं बहुत ही अच्छी तरह से, अभी मैं इसको निकाल दे रही हूँ, ये सब देख सकते हो आप लोग, मैं सारे को निकाल दे रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा पकौड़ी बन के रेडी हो गया, ये देखिए, ये देखिए पकौड़ी जैसे बन के रेडी हो गया। ये देखिए मैं थोड़ी सी ही बनाई हूँ और ये देखिए बहुत ही टेस्टी बन जाता है। तो जो तेल गरम था ना तो उसी में ये सारे चीज़ मैं दे रही हूँ, ये छोंकने वाला जो सामान होता है ना उसको मैं डाल दे रही हूँ, और जो पहले तेल था ना उसको मैं थोड़े से कम कर ली हूँ, नहीं तो तेल ज़्यादा हो जाएगा ना इसीलिए, तो थोड़े से मैंने कम कर दिए और जितना चाहिए उतना तेल मैं रख ली। तो ये देखिए प्याज को जो छोटे छोटे कट की थी ना उसको भी मैं डाल दे रही हूँ। ये देखिए प्याज है और तेज़पत्ता है, तो इसी से मैं छोंक रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। बस देखियो कम मसाले से ही ये देखिए बन के रेडी हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, और कितना ईजिली से मैंने बनाया, कितना सिंपल। तो आप लोगों को तो पता है कि मैं बहुत ही सिंपल कुकिंग करती हूँ, ताकि मतलब कि मतलब कोई भी बना सके, इसलिए मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। हम लोग सिंपल बनाते हैं, ज़्यादा ऑयली नहीं, ज़्यादा मतलब मसाला वसाला दे के नहीं बनाते। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं मेरे अच्छे तरह से हो गए, तो इसमें मैं है ना कश्मीरी चिल्ली पाउडर होता है ना उसको मैं डाल दे रही हूँ कलर के लिए। ये झाल बिल्कुल भी नहीं लगता, थोड़ा सा भी नहीं लगता, सिर्फ कलर आता है इसमें से, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ हल्दी, अब डाल रही हूँ मसाला, घर का मसाला है आप लोगों को तो पता ही है। तो ये देखिए अच्छे से भूंज रही हूँ मैं इसको। तो ये सारे चीज़ होने के बाद वो जो मैंने पेस्ट रेडी किया था ना लहसुन अदरक और प्याज मिर्ची टमाटर, उसको मैं लगा दे रही हूँ। ये देखिए देख सकते हो आप लोग, तो ये देखिए सारे को मैं लगा दी हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो बस इसको लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, मिला लूँगी, इसको भी मैं अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए अच्छे तरह से हो गया, अभी इसमें नमक लगा दे रही हूँ थोड़े से, क्योंकि है ना उसमें जो कोफ्ता में बनाई ना पालक और बेसन का कोफ्ता, उसमें थोड़े से नमक दी थी, तो इसमें भी थोड़े से नमक देंगे, ज़्यादा नमक नहीं देंगे, नहीं तो ज़्यादा ही नमक हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप नमक दोगे। तो ये देखिए हो गया है मेरा, तो इसमें पानी दे देंगे, ये देखिए जिसमें पेस्ट रेडी किए थे ना प्याज और मिर्ची और लहसुन अदरक और टमाटर, ये सारे चीज़ का जिसमें मतलब मिक्सर में किए थे ना, तो उसी में मसाला वगैरह थे, तो उसी में पानी डाल करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए हो गया है अच्छे तरह से पेस्ट रेडी हो गया है। तो अभी मैं जो ये बनाई थी ना कोफ्ता पालक और बेसन का कोफ्ता, अभी मैं इसको डाल दे रही हूँ। ये देखिए कितना झटपट बन के रेडी हो गया, कितना अच्छा से बना है, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए
बहुत ही अच्छा बना है, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए अब ये हो गया सारे चीज़, तो इसमें मैं लगा दे रही हूँ ये धनिया पत्ता, ये देखिए। तो इसको अच्छे से कट करने के बाद मैं लगा दी हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सर्व कर लिए हैं, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स, वाओ सो यमी सो डेलीशियस। तो देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है, तो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग ट्राई करके देखो, बहुत ही अच्छा लगता है और झटपट बन जाता है। तो फ्रेंड्स बताइएगा आज का रेसिपी आप लोगों को कैसे लगा, अगर अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।